अभी हम सबको पता है कि सिचुएशन क्या चल रहा है, तो हम लोग को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है अभी के सिचुएशन से वो है हमारी जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रहा है। बिकॉज हम जब भी टीवी खोलते हैं, जब भी न्यूज़पेपर देखते हैं, जब भी बाहर जाते हैं या बाहर से कोई किसी से भी बात होती है, हर जगह पे एक ही बात चल रही है कि कोविड कोविड कोविड, इनकी डेथ हुई, ये इनका उनका, यही चल रहा है पूरे देश में। तो हम लोग को एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से कहीं हद तक वीक पड़ जाते हैं मेंटली। तो गाइज, कुछ ऐसे हैबिट्स अगर आप फॉलो करते या फिर ऐड करते अपने लाइफस्टाइल में, जो आपके मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा बूस्ट अप करेगा एंड आपको कई हद तक थोड़ा स्ट्रांग बनाएगा मेंटली। इस वक्त हमको अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करना है, एंड हमारी इम्यूनिटी कई हद तक हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग मेंटली वीक हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी भी सही हद तक उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाएगा कि हम लोग जो भी वायरस है उससे हम लोग लड़ पाए। कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा। तो प्लीज वीडियो को बहुत शेयर कर देना गाइस। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जब भी हम दिन की शुरुआत करेंगे, उसी टाइम अगर हम लोग नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, सबसे पहला काम वॉशरूम जाके ब्रश करके नहा धो के हम निकलते हैं। हफ्ते में 3 से 4 दिन अगर हम लोग घर का जो झल्ला कपड़ा पहनते हैं वो ना पहन के, एक अच्छा क्लोथ पहन के हम थोड़ा सा हल्का सा रेडी होते हैं ना, तो उससे भी हम लोग की जो एक होता है ना मेंटली, हम लोग अपसेट होते हैं जो भी, वो कई हद तक दूर होता है गाइस। ट्रस्ट मी, आपको सिली लग सकता है गाइस, लेकिन ये सच बात है। आप करके देखना, आप सुबह उठ के एक अच्छा कपड़ा पहन के थोड़ा सा रेडी होके फिर अगर आपका दिन शुरू करते हो ना, तो आपका जो पूरा दिन है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा गाइस। ये मैंने फील किया है, आप लोग एक बार करके जरूर देखिए। दिन की शुरुआत के बाद हम लोग का जो भी दिन का रेगुलर काम होता है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो काम के बाद जो हमारा टाइम बचता है उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने मन को थोड़ा स्थिर कर सकते हैं, या फिर आप योगा कर सकते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं गाइस। तो मैं अपना बोलूं, पर्सनली मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं हर रोज डेली 24 घंटे में से 1 घंटा निकालती हूँ एंड मैं 1 घंटा रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ। मैं करती हूँ शाम के टाइम पे रेगुलर 6 से 7 बजे में एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आप योगा या फिर मेडिटेशन करते हो, आपका मन भी स्थिर होता है, साथ साथ में आपका जो बॉडी है वो मूव होता है, अक्सर एक एनर्जी मिलता है हमको, है ना गाइस। तो ये भी कई हद तक बहुत ही एक अच्छा हैबिट बोल सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस में इस चीज को कंटिन्यू करें, आपका हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ भी ठीक रहेगा, साथ साथ में आपको मेंटल जो हेल्थ है ना उसको भी कई हद तक बूस्ट अप करने में आपको हेल्प करेगा गाइस। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी के सिचुएशन के लिए। बिकॉज अभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी टीवी खोलते हैं या फिर न्यूज़पेपर देखते हैं या फिर फोन चलाते हैं या फिर बाहर के किसी से भी या फिर रिलेटिव से किसी से भी फोन पे बात करते हैं, तो हर जगह पे हम लोग के जो बातें चलती है वो है कोविड। आप लोग अगर जो ये न्यूज का टाइम है ना, न्यूज देखने का या न्यूज पेपर पढ़ने का जो टाइम है, इसका लिमिट थोड़ा कम कर देना, ये कई हद तक आपको हेल्प करेगा, थोड़ा रिलैक्सेशन आपको देगा गाइस, ये गारंटेड है। न्यूज आप देखा करो बट उसका जो टाइम लिमिट है ना वो थोड़ा सा कम कर दो, और जो टाइम बच रहा है वो आप उस टाइम को यूटिलाइज करो अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए, अपने आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए या फिर अपने पूरे हेल्थ को ठीक करने के लिए। फोन तो हम सभी चलाते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी इस टाइम पे, अब ज्यादातर आप जैसे वीडियोस या फिर जैसे जो भी देखना पसंद करते हो फोन में, थोड़ा सा उसमें आप टाइम निकाल के, अगर आप फनी वीडियोस नहीं देखते हो, फनी पर्सन नहीं हो देखने वाले तो बता रही हूँ, तो आप कुछ टाइम के लिए फनी वीडियोस देखने का एक सेशन रखो जहाँ पे बस आप फनी वीडियोस देखोगे और हंसोगे। तो इसमें क्या होगा, आपका अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे गाइज, ये बहुत अमेजिंग है, मेरा बहुत मतलब फेवरेट एक हैबिट आप बोल सकते हो।
इस पॉइंट पे आप ये कर सकते हैं कि आपको जो चीज करके आपके मन में खुशी मिलती है, फिर आपको सेटिस्फाइंग लगता है जो चीज करके, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो जो मेरे को मजा आता है, मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मेरे को रील्स बनाना अच्छा लगता है, मेरे को पबजी खेलना पसंद है, मैं हर वो चीज करती हूँ। तो आपको जो करने में आपको खुशी मिलती हो, अपने आपको खुशी मिलती हो, आप वो सारी चीजें करा करो तो आपका मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। आपका मन खुश हो जाएगा तो आप खुद खुश हो जाओगे, आप खुश होगे तो आपके अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बहुत ही ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा गाइस। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट हमारे कोई हैबिट में नहीं आता है, ना ही कोई टिप्स में आता है, ना ही डेली बेसिस में अपने लाइफस्टाइल में ऐड करने वाली कोई ऐसे हैबिट में आता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना गाइस, ये हम सारे इंसान को, हम सबको बांधता है, जो कि है हेल्प करना। इस पॉइंट पे हमारे पूरे देश में जैसा सिचुएशन चल रहा है उसमें एक दूसरे को हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक दूसरे को हेल्प करो, हेल्प करने से हेल्प मिलेगा और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग इस टफ सिचुएशन से निकल पाएंगे। तो गाइज, लोगों को हेल्प करो, फिर लोगों से आपको भी हेल्प मिलेगा, साथ साथ में एक बंधन बना के रखो ताकि हमारा देश बहुत ही जल्दी इस टफ सिचुएशन को काट के हम लोग पहले की तरह खुशी खुशी सब अलग से वही जिंदगी वापस मिल पाए हम सबको, जैसे हम लोग सब थे। आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था एंड बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था। अगर इस वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना एंड साथ साथ में मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना एंड साथ साथ में घंटी को भी बजा देना, है ना, ताकि फ्यूचर में मैं जितने बार वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों के पास सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, वीडियो को मैं आज यहीं पे खत्म कर रही हूं, बिकॉज मैं बहुत जल्दी लाऊंगी एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ध्यान से रहें एंड स्टे सेफ गाइस, बाय।